स्वागत है आपका। ओडीआई वर्ल्ड कप 2019 के खत्म होने के बाद अब जो अगला बड़ा वर्ल्ड कप है वो है वर्ल्ड कप 2020, जो कि T20 फॉर्मेट में होने वाला है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कप ये भी सभी देशों के लिए रहने वाला है। इस वीडियो में दोस्तों इस वर्ल्ड कप की सारी जानकारी आपको देने वाले हैं, कितनी टीमें खेलेंगी, कब चालू होगा, कब होगा खत्म, सारी बातें इस वीडियो में हम करेंगे। तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं वर्ल्ड कप 2020 के वेन्यू की। तो वेन्यू जो है वो है ऑस्ट्रेलिया। एक बहुत ही बढ़िया वेन्यू होता है वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट के लिए, ऑस्ट्रेलिया में जो है वो खेला जाना है वर्ल्ड कप 2020। डेट की अगर बात करें तो यहाँ पर 24 अक्टूबर से जो है इसकी शुरुआत हो जाएगी लीग स्टेजेस के मैचों की, जहां पर सेमीफाइनल जो है वो खेला जाएगा नवंबर 11 और नवंबर 12 को, और फाइनल जो है वो खेला जाएगा नवंबर 15 को। तो ये बात हुई दोस्तों यहाँ पर डेट की वर्ल्ड कप 2020 के। बात कर लेते हैं दोस्तों कितनी टीमें होंगी। तो टोटल यहाँ पर 12 टीमें जो है वर्ल्ड कप 2020 का हिस्सा होंगी, जिनमें से 8 टीमें वो जो कि T20 रैंकिंग में टॉप 8 पर है, और बाकी की जो 4 टीमें हैं वो यहाँ पर क्वालिफायर खेलकर आने वाली हैं। बाकी की 4 टीमों की अगर बात करें तो उनमें 2 सबसे बड़ी टीमें जो कि क्वालिफायर खेलने वाली है वो है दोस्तों यहाँ पर श्रीलंका और बांग्लादेश की टीम। ये दोनों टीमें जो है वो T20 रैंकिंग में टॉप 8 में नहीं है, ऐसे में इन्हें क्वालिफायर जो है वो खेलना पड़ेगा, तब जाके ये टीम जो है वो क्वालिफाई करेगी लीग स्टेजेस के लिए यानी सुपर 12 के लिए, जहां पर 12 टीमें जो है वो आपस में भिड़ने वाली है। इन 12 टीमों को जो है दोस्तों 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, जहां पर ग्रुप ए की अगर बात करें तो पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड, ये 4 कंफर्म टीमें हैं। वहीं 2 टीमें जो है वो क्वालिफायर खेलकर आने वाली है। वहीं बात करें अगर ग्रुप बी की, तो ग्रुप बी में है यहां पर इंडिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान की टीम, और 2 टीमें यहां पर भी क्वालिफायर खेलकर आने वाली है। तो 2 ग्रुप में यहां पर डिवाइड किया गया है, और इन ग्रुप्स में से जो टॉप 2 की टीमें होंगी दोनों ग्रुप्स की वो पहुंचेगी सेमीफाइनल में। यहां पर दोस्तों बात करें अगर टीम इंडिया की, तो इंडिया का जो वो पहला मैच है वो पहले दिन ही खेला जाएगा यानी कि 24 अक्टूबर को, जहां पर टीम इंडिया जो है वो भिड़ने वाली है साउथ अफ्रीका से। यहां पर वर्ल्ड कप 2019 का भी पहला मैच टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका से ही खेला था, और वर्ल्ड कप 2020 का T20 वर्ल्ड कप का पहला मैच भी टीम इंडिया जो है वो साउथ अफ्रीका से ही खेलने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी और सबसे बुरी खबर जो है वो ये कि लीग स्टेजेस में हमें इंडिया और पाकिस्तान के मैच जो है वो होते हुए दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि इंडिया जो है वो है ग्रुप बी में और पाकिस्तान जो है वो है ग्रुप ए में। ऐसे में इंडिया और पाकिस्तान की जो टीम है वो आपस में नहीं भिड़ेगी। अगर ये टीम सेमीफाइनल में भिड़ती है तो भिड़ती है, या फाइनल में भिड़ती है तो भिड़ेंगी, लेकिन ग्रुप स्टेजेस में जो है ये टीमें आपस में नहीं भिड़ने वाली, क्योंकि दोनों टीमों के जो ग्रुप है वो बिल्कुल अलग कर दिए गए हैं। तो सबसे बड़ी खबर यही है, और सबसे बुरी खबर भी हम कह सकते हैं वर्ल्ड कप 2020 की जो है वो यही है। तो ये सारी खबरें जो है वो यहाँ पर वर्ल्ड कप 2020 को लेकर आ रही थी, जो कि हमने आपको दी है। आगे भी कई सारी अपडेट्स जो है वो इस वर्ल्ड कप को लेकर आती रहेंगी। यहाँ पर दोस्तों लास्ट चैंपियन जो है, डिफेंडिंग चैंपियन जो है वो है वेस्ट इंडीज की टीम। अब देखते हैं वर्ल्ड कप 2020 में T20 का जो टाइटल है वो कौन सी टीम ले जाती है। आपको क्या लग रहा है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में होने वाला वर्ल्ड कप 2020 का टाइटल कौन सी टीम जीतेगी? आप अपनी राय जो है वो कमेंट कर जरूर दें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।